संजय बिश्नोई हनुमानगढ़। सचिन यादव फ्रॉम जयपुर। हेलो गाइस, मैसेल्फ विवेक डांगी। हिमांशु उपाध्याय स्टेट एम्पायर। आई एम नवीन टांग बड़ी सादी। जितेंद्र गौड़ चित्तौड़गढ़। प्रशांत पांचाल। एचन कोई फ्रॉम जालौर डिस्ट्रिक्ट। माई सेल्फ ध्रुव सिंह फ्रॉम भरतपुर। अर्चना सिंह स्टेट एम्पायर राजस्थान। तो हाँ जी, ये है डे 3 और आप हो गए इधर। बढ़िया। तो हाँ जी दोस्तों, टूर्नामेंट समाप्त, आज बहुत जल्दी समाप्त हो गया 7 बजे। कल से टीम जो टीम इवेंट है वो फाइनल्स है और टीम इवेंट कल से फाइनल है और जो नॉर्मल वाले इवेंट हैं वो भी सेमीफाइनल समथिंग है। तो ऐसा माहौल चल रहा है, कोर्ट बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और अभी यहाँ पे कल की लिए तैयारी हो रही है। सबके लोग बिल्कुल सबके सेटअप होते जा रहे हैं। ठीक है भैया जी, ऐसा ही है कि यहाँ के माहौल देख रहे हैं, अब कोर्ट फ्री हो चुके हैं, जितने भी मैचेस से ओवर हो चुके हैं आज का शेड्यूल। तो आज डे 3 है और हम डे 2 का ब्लॉग नहीं बना पाए, माफी चाहते हैं। आज हम फ्री हुए हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैचेस होते हैं, रिकॉर्डर करने पड़ते हैं 1 घंटे के, आधा घंटे के, इस चक्कर में हम ये सीन है। तो अभी हमारे मनोज सर, हमारे एक दिखा देता हूँ, ये सर बैठे हैं, है ना, डिस्कशन चल रहा है क्योंकि कल की प्लानिंग, एक डे ख़त्म होता नहीं, दूसरे डे की प्लानिंग शुरू हो जाती है, तो ऐसी कहानी। तो ये सारे लग गए हैं काम पर, जो हमारे हाउसकीपिंग वाले हैं, इनकी भी मेहनत काफ़ी होती है भाई, हर पल पल पे कोर्ट पे आना होता है। ठीक है, काफ़ी मुझे लगा कि सर ने बुलाया बट नहीं बुलाया। ओके, तो ये चलते चलते ब्लॉग बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, ये कोर्ट होते हैं हमारे, अभी यहीं पे ऑल इंडिया कुछ दिनों में होने वाले हैं, नवंबर में समथिंग, तो वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो भी हम रिकॉर्ड करें अच्छी तरह से और अच्छी तरह से मैनेज करें, क्योंकि अभी हम अपलोडिंग में थोड़ा स्लो हैं, है ना। तो क्या बताएंगे आपके मैच में? एकदम अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा खेला मैं बहुत अच्छा। बस शर्मा क्यों रहा? एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है हमारा। सेकंड राउंड में हार गए थे? नहीं, जीत गए सेकंड। सरप्राइज क्यों दे रहा भाई? रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है। चलो, तो ये हैं कुछ नज़ारे हैं, आप अब मेरी आंखों से भी देखो और कैमरे की आंखों से भी देखो, समझो, इसलिए 3 डे हैं। तो अब हमारा सेटअप देखो भाई, कहाँ कहाँ हमने व्यवस्था कर रखी। तो ये वैसे जिम एरिया है बट मैंने यहाँ पर देखो चार्जिंग पोर्ट, पावर बैंक चार्ज हो रही है, दोनों डिवाइस, ये है ना माइक सेटअप, बैग, सारा ताम झाम हमने व्यवस्था कर रखी। ओके सॉरी, व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, अब यार थोड़ा बाहर का माहौल लेके चलते हैं आपको। ठीक है, फ़ोन उठा लें आपको बाहर दिखाते हैं। तो ये विशाल यहाँ पे भी खेलता है, कैसा आपका मैच का आज का रहा, कैसा लगा, मतलब खेलने में कैसा लगा? अच्छा लगा। गर्मी का कुछ ऐसा? गर्मी बहुत गर्मी। क्या हुआ था भानु तुम्हारे मैच में जो तुम लक्ष्य सेन की तरह हारे? वो मीटिंग हेजिटेशन, यस। तो फिर करी क्यों नहीं है? फिर करी नहीं पाया ना, ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था क्या, मतलब कैसे वीकनेस आ रही थी, खाने वजह से हुआ था कुछ? खाने वजह से नहीं हुआ, वीकनेस आ रही थी, जब हो रहा था, फिर इसलिए। कितने से लॉस हुआ? पहला जीता 21-10, दूसरा 19-21, तीसरा 16-21। यार तेरे में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, अच्छा मैच चल रहा था बीच में। तो हाँ जी, बाहर के माहौल को जैसे बहुत उमस हो रही है आज के दिन, तभी तो एक दो बच्चे उल्टी भी करने जैसी हो गई थी, जीते जीते मैच ऐसे हारे। तो अभी हम काफ़ी दिनों बाद आपको अपने जारविस के साथ ब्लॉग दिखा रहे होंगे, तो ठीक है चलते हैं। हो ऐसा कुछ है सीन ब्रो, आवाज़ साफ आनी चाहिए, आवाज़ समझ में आई, आवाज़ आ ही रही, तो कुछ ठंडा हो जाए तो मन पर हमारी पेंडिंग है। तो ये थोड़ा सेटअप कर लूँ। हाँ आ जाओ, आ जाओ। सो ये तो भैया जी, अरे भाई तेरे को तुम खा रहे हैं आ सकते हो। हाँ ये लोग हमारे स्टेट एम्पायर है भाई,
हेलो हाय तो कर दो यार, वापस से स्टार्ट करो। क्यों वापस से? ब्लॉग का मतलब ही रो हो गया ना मेरा। चलो ठीक है, तुम लोग ब्लॉग करते हुए जा रहे हो क्या? चलो ठीक है भैया, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया, जो कल चाहिए। बाय बाय। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम करते हैं ब्लॉग का एंड। हमारे बीच विधानसभा आपको मस्त लगी रही होगी, तो हमारा आज का छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा ब्लॉग कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। और हमारे मेजा बैडमिंटन टीवी को सब्सक्राइब करिए भाई, गणेश सारे लोग, ओके, और जिससे हम नेशनल दिखा सकें। देखो ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे ना तो मैं नेशनल अच्छी तरह दिखा सकता हूँ, थोड़ा जेन्युइन चीज़ लगती है। तो ये विधानसभा वाली रोड है और यहाँ अभी मैंने हेलमेट नहीं लगाया है तो बहुत ही रिस्की है, पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं पहले एक बार साइड में ले लेता हूँ और चलते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर भी आते हैं, ब्लॉगर हमारे जैसे भी आते हैं, अच्छे वाले भी आते हैं, है ना। तो अभी जितने भी बैडमिंटन के मैच थे सब ख़त्म हो चुके हैं और सब लोग अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई ओला उबर ऐसे ले रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं किसी को लिफ्ट दूँ और बस उससे बात करूँ, है ना, अगर पॉसिबल हो सकता है तो। नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। और क्योंकि नहीं, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, बाय।